जम्मू के कठुआ में बलात्कार के मामले में हमारे समाज ने अपना नकाब खुद ही उतार दिया है। हम बेटियों की परवाह करते हैं, यह ढोंग भी अपने आप सामने आ गया बाहर। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बारे में ही सुन लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप एक मरे हुए समय में जीने का भरम पाल रहे हैं। यही नहीं, बलात्कार के मामले में पुलिस जब आरोप पत्र दायर करने पहुंची तो थाने को जिस तरह से घेरा गया और जेल को और जय श्री राम के नारे लगे, ये सुन लेंगे तो आप कभी राम से नजर नहीं मिला पाएंगे। संयोग ही हो सकता है कि यूपी के उन्नाव में बलात्कार के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने भी कहा कि आरोप तो प्रभु श्री राम पर भी लगे थे। जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं मंदिरों में नहीं रैलियों में, वही बता सकते हैं कि अब जय श्री राम के नारे और कहां कहां लगने बाकी हैं। अफसोस कि राम के नाम पर जमा हो जाने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं ने भी अभी तक इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की है, क्योंकि उसे उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। किसी को क्यों लगता है कि जय श्री राम का नारा लगा देने से या नाम ले लेने से वह कानून और संविधान से ऊपर हो जाएगा? क्या कानून के सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है? तो फिर इसमें वो राम राज्य कहाँ है जिसमें सभी के साथ इंसाफ का सपना दिखाया जाता है? कई महीनों से कह रहा हूं कि आपके भारत में हर जगह एक भीड़ तैयार खड़ी है, स्टैंड बाई पर खड़ी है, उसे सिर्फ इशारा मिलने की देर है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप इस भीड़ को लेकर अब भी सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन यह भीड़ आपको भी खींच कर ले जाएगी, या तो आपको मार देने के लिए या फिर आपसे किसी की हत्या कराने के लिए। 8 साल की लड़की का मंदिर के देवस्थान में 3 बार बलात्कार किया गया, उसके बाद अपराधी ने पूजा पाठ भी किया, रिचुअल्स किए। एक बलात्कारी को मेरठ से बुलाया गया, लड़की को बेहोश होने की दवा देकर रखा गया, उसके बाद बलात्कार होता रहा और फिर गला घोंट दिया गया। वो मर गई लेकिन जिंदा रहने की कोई संभावना ना बचे, इसलिए उसके सर को पत्थर पर 2 बार मारा गया ताकि वो मर जाए। वो मर गई, सुना आपने कि वो मर गई, आपने ठीक से सुन तो लिया ना कि वो मर गई। आपका सुनना बहुत जरूरी है कि बेहोशी की दवा देने, बलात्कार करने के बाद गला घोट देने और पत्थर पर सर दे मारने के बाद वो मर गई। तब एक पुलिस वाला कहता है कि अभी रुको, वो एक और बार बलात्कार करना चाहता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए ये सब किया गया, चार्जशीट में ये सब लिखा गया है, वहीं से बता रहा हूं। 10 जनवरी को ये लड़की कठुआ के हीरानगर से अगवा कर ली जाती है, 17 जनवरी को जंगल में उसकी लाश मिलती है। 11 अप्रैल को यह कहानी आपके सामने इसलिए है क्योंकि 10 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में 11 पन्नों का चार्जशीट लेकर जब निकली तो उसे घेरने के लिए शहर का एक तबका आ गया, वही भीड़ जो आपके पास आसपास स्टैंड बाई पर तैयार हो गई है, खड़ी है इस केस को रफा दफा करने के लिए, या इस पर सवाल उठाकर उस पुलिसकर्मी को 1.5 लाख की रिश्वत दी गई रफा दफा करने के लिए, जिसे पता था कि लड़की कहां रखी गई थी। कठुआ में माहौल को सांप्रदायिक बना दिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम डिबेट चालू हो जाए और एक 8 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो बहस से गायब हो जाए। बलात्कारी के समर्थन में एक हिंदू एकता मंच भी बना। इंडियन एक्सप्रेस के मुजामिल जमील ने लिखा है कि इस मंच को महबूबा मुफ्ती के 2 कबीना मंत्रियों और बीजेपी के विधायक लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा का समर्थन मिल रहा था। हमारे सहयोगी जफर इकबाल ने बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी से बात की, उसके बाद पीडीपी के प्रवक्ता से भी बात की है, पहले सुनिए इन्हें। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई और जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो उससे कहीं पे ये फीलिंग जाती थी कि ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ये डिमांड थी कि इसको सीबीआई को भेजिए, सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है पूरे कंट्री की। हमारी पुलिस नहायत ही प्रोफेशनल है, लड़ रहे हैं, हर मोड पर लड़ रहे हैं, मिलिटेंसी में लड़ रहे हैं, कश्मीर में भी लड़ रहे हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट पुलिस मानी जाती है हमारी। और एक छोटी लड़की का रेप का मसला है, ये कोई किसी फर्द का मसला नहीं, ये कम्युनिटी का मसला है। आगे बताऊंगा कि पुलिस कौन थी और उसकी टीम क्या थी। राजनीति अपना रास्ता खोज लेती है, मगर राजनीति जब कमजोर हो जाती है, उसके पास आपके सामने आकर आंख मिलाने का कोई तरीका नहीं बचता है, तो 8 साल की बच्ची को भी वो मोहरा बनाती है। अब उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके सामने आपके बीच आने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, 2-4 फ्लाईओवर होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो आप मुस्लिम बनिए या फिर हिंदू बनिए, तब वो आपके बीच आएगी, जिसे आप राजनीति कहते हैं। 8 साल की उस बच्ची के साथ कोई नागरिक खड़ा है या नहीं आप बता सकते हैं? जब पुलिस चार्जशीट दायर करने चली तो रोकने के लिए किस तर्क से जायज था?
क्या ये जरूरी था कि जम्मू कश्मीर पुलिस जब चालान फाइल करने निकली तो बहुत से लोग उसे घेर लें। कई पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि सोमवार यानी 9 अप्रैल को कठुआ जिला जेल के बाहर भी वकीलों ने प्रदर्शन किया, वहां भारत माता की जय के नारे लगे और जय श्री राम के भी। जम्मू कश्मीर ने हंगामा पुलिस ने हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। क्या वकीलों को कानून का कायदा नहीं मालूम? अगर बीजेपी के नेताओं को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है जहां उनकी सरकार है, तो फिर उसके मंत्री महबूबा मुफ्ती की सरकार में क्या कर रहे हैं? हर किसी को पुलिस की जांच पर शक होता है। हिंदुस्तान भर की पुलिस की विश्वसनीयता यही है थर्ड रेट, तो भी क्या भीड़ तय करेगी कि वह क्या करे और उसके पीछे हिंदू मुस्लिम का तर्क खड़ा किया जाएगा? क्या एक 8 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में भारत माता की जय के नारे लगेंगे और जय श्री राम के नारे लगेंगे, तिरंगा निकलेगा? 11 पन्नों की चार्जशीट पढ़ेंगे तो आंख और आंख दोनों बाहर आ जाएगी। इस हत्या का आरोपी राजस्व विभाग से रिटायर हो चुका सांझी राम है। उसने इस हत्या में अपने बेटे को भी शामिल किया और भतीजे को भी। इन दोनों की उम्र 18 साल से कम है, जुवेनाइल है। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। सहायक सब इंस्पेक्टर है आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल है तिलक राज। इन्हें सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सांझी राम बक्करवाला घुमंतुओं को रसना गांव से हटाना चाहता था, इसलिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अगवा कर मारने की योजना बनाई। पिता सांझी राम के कहने पर 7 जनवरी को उसका बेटा और एक दोस्त दवा की दुकान पर जाते हैं। ये सब चार्जशीट में लिखा है, जिसे अभी पुलिस साबित भी करेगी। अभी साबित नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। बीमार चाचा की दवा की पर्ची दिखाकर एपिट्रिल 20.5 mg के 10 टेबलेट खरीद लाते हैं। उसी रोज सांझी राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है लड़की का। लड़की ने भागने की कोशिश की मगर उसे दबोच लिया गया, उसका वहीं पर बलात्कार किया गया। फिर वहां से उठाकर उस लड़की को देवस्थान यानी मंदिर में लाया जाता है, जहां प्रार्थना पूजा होती है। इसका ब्यौरा बताया नहीं जा रहा है, पर बता रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट की राजनीति आपके बच्चों को हत्यारा बनाने के लिए तैयार कर चुकी है। आपका बच्चा भी हत्यारा बनकर घर लौटेगा। हर प्राइम टाइम में पिछले कई महीनों से लगातार बोल रहा हूं, कई दर्शक तो कहते हैं कि बोर हो गए इस बात से, मगर आप चेक कीजिए, कहानियां लौट रही हैं। लड़की के माँ बाप ने राम से पूछा भी कि कहां है, तो बोला कि रिश्तेदारों के यहां गई होगी, जाके चेक कीजिए। जबकि राम ने ही, सांझी राम ने ही मंदिर में बंद कर रखा था। ये सब चार्जशीट में लिखा है। उसे बेहोश होने की दवा देकर खजूरिया और वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है बलात्कार करता है। 11 जनवरी को 18 साल से कम वाला एक और लड़का मेरठ, जो लड़का है वो मेरठ गए अपने दोस्त को फोन करता है। वो दोस्त मेरठ से आकर उसका बलात्कार करता है, कहता आओ अपनी प्यास बुझा लो। देखिए पढ़ा नहीं जा रहा, फिर भी पढ़ूंगा। उस लड़की को खाली पेट बेहोशी के 3 टेबलेट दिए जाते हैं और बलात्कार किया जाता है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है किसी पर, गुस्सा तो वो है जो बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़े। ठंडे दिमाग से फिर भी सोचिए कि बलात्कार का ख्याल आता कहां से है, क्यों आता है। जम्मू कश्मीर बार संघ ने बुधवार यानी 11 अप्रैल को जम्मू बंद का ऐलान किया। वकील का संगठन सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, उसे पुलिस की जांच से संतोष नहीं है। वे सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। इस स्टोरी को कवर करने वाले रिपोर्टर भी हिल गए हैं। इस हत्या का डिटेल और चार्जशीट के विरोध की राजनीति ने उन्हें सन्नाटे में डाल दिया है। पत्रकार राहुल पंडिता ने फेसबुक पर लिखा है कि इस मामले की जांच करने वाले एसएसपी रमेश जाला की निष्ठा और प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उनका शानदार रिकॉर्ड है, कई आतंकवादी हमले भी झेले हैं, उन पर हमले भी हुए हैं और महीनों अस्पताल में भर्ती रहे हैं। ऐसे अफसर और उस टीम की बनाई चार्जशीट पर इस तरह से सवाल उठाना शर्मनाक है। इस राजनीति ने जय श्री राम और तिरंगा दोनों को शर्मसार किया है। पत्रकार शेखर गुप्ता ने ट्वीट किया है कि एक और लिखा है कि एक 8 साल की लड़की का अपहरण होता है, बार बार बलात्कार होता है, उम्र में बड़े लोगों द्वारा जिसमें पुलिस भी शामिल है उसे मार दिया जाता है, शव को क्षत विक्षत किया जाता है, जांच पूरी होती है लेकिन पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है क्योंकि कठुआ के वकीलों की भीड़ विरोध में रोक देती है। इस बेशर्मी और अश्लीलता पर सोचिए। श्रीनिवासन जैन जो हमारे सहयोगी, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस केस में चार्जशीट में के जो ब्यौरे हैं इसे पढ़ता हूं तो मुश्किल से सांस ले पाता हूं। हरिंदर बावेजा आज लिखती हैं कि आज केवल कठुआ और उन्नाव को ट्रेंड करना चाहिए। एक 8 साल की लड़की के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ है और एक जवान लड़की अपने पिता की हत्या के बाद इंसाफ के लिए लड़ रही है। हमने
अगर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या को हिंदू मुस्लिम राजनीति के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश हो रही है और उसका कवर ये लिया जा रहा है कि भीड़ ऐसा चाहती है या जनता ऐसा चाहती है, आरोपियों के साथ मजहब के नाम पर खड़े होने की कोशिश है, तो आपसे या खुद से क्या कहा जाए। वो तो इस नरक को छोड़कर जा चुकी है वो लड़की, आपको अभी इस नरक में रहना है। धर्म के नाम पर साइड लेकर नहीं बोलने से और तिरंगा लेकर चार्जशीट का विरोध करने की राजनीति से दहशत होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। अगर आप पहाड़ों की व्यवस्था को जानते हैं, नहीं भी जानते और जानना चाहते हैं कि बकरवाला समुदाय पहाड़ों के लिए बहुत जरूरी है, सीधे साधे लोग होते हैं, चरवाही करते हैं और इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। गुज्जर बकरवाला मुख्य तौर पर एक मुस्लिम खानाबदोश समुदाय है, इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। ये समुदाय मुख्य तौर पर मवेशियों को पालकर गुजारा करता है लेकिन किसी एक जगह नहीं टिकता, आमतौर पर जंगलों में या उसके आसपास झोंपड़ी बनाकर छोटे छोटे टोलों में रहता है। मार्च अप्रैल में गर्मियां शुरू होने पर बकरवाला अपने मवेशी गाय भैंस भेड़ बकरी के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में इनके मवेशियों के लिए घास वगैरह खूब होती है। अक्टूबर के अंत तक ये लोग फिर शिवालिक की तलहटी में लौटते हैं जहां अगले 4-5 महीने गुजारते हैं। गुज्जर बकरवाला समुदाय बकरवाल समुदाय को पर्यावरण के लिहाज से खास माना जाता है। इन लोगों को जंगली पेड़ पौधों की इतनी जानकारी होती है कि इन्हें बेयर फुट बॉटनिस्ट यानी नंगे पैर चलने वाले वनस्पति विज्ञानी तक कहा जाता है। लेकिन आज ये लोग जंगलों पर भी अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और समाज में इनके अधिकारों का हाल क्या है, ये कठुआ की इस दिल दहला देने वाली कहानी से आपको समझ आ गया होगा। अब हो सके तो अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। हर तरफ भीड़ है, हर तरफ हिंसा। कल ही बंगाल से एक तस्वीर आई, हाथों में हथियार लेकर तृणमूल समर्थक रैली में निकले। कोई कहीं से हथियार लेकर आ जाता है, तलवार गणासा लहराते हुए रैली निकाल लेता है। रामनवमी की शोभा यात्रा तो हथियारों से ही अब भरी रहती है। तो आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। एक जनता के रूप में सोचेंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। हिंसा के हथियार आपका भला नहीं करेंगे। कहीं राम के नाम पर नेतागिरी है तो कहीं नेता ही राम से ऊपर समझने लगे हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है इससे डरिए। आपके देश में कहीं कोई सिस्टम नहीं है जो ऐसी भीड़ पर लगाम लगा ले। हर जगह लाचारी हावी है और बस उस पर भीड़। कठुआ में हिंदू एकता मंच आरोपियों के पक्ष में है तो यूपी में पूरी बीजेपी और योगी सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में नजर आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को मारो विधायक बचाओ, ये नारा हो गया है। उन्नाव की लड़की बीजेपी विधायक कुलदीप सिंगर पर हत्या के आरोप लगा रही है उस अपने पिता की। आप उनके हंसते हुए बयान देख ही चुके हैं टीवी पर। इस लड़की के पिता की पीट पीट कर हत्या की गई, आरोप विधायक के भाई पर लगा, हंगामा हुआ तब गिरफ्तारी हुई, FIR में नाम जुड़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हल्ला मचने के बाद एक SIT इस लड़की के गांव भेजी, लेकिन SIT से पहले ही विधायक के सैकड़ों समर्थक वहां पहुंच गए, हंगामा करने लगे और विधायक को निर्दोष बताने लगे। मगर किसी किसी का जमीर जाग रहा उसी बीजेपी के भीतर। यूपी में बीजेपी की मीडिया सेल की सदस्य दीप्ति भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि आदरणीय भाई अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए, सरकार के निर्णय शर्मसार कर रहे हैं, ये कलंक नहीं धुलेंगे। आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी और आपके साथ हम सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। बीजेपी अपने विधायक के प्रति सहानुभूति रखती है, वह नहीं चाहती कि मीडिया ट्रायल या आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हो। क्या यही पैमाना बीजेपी खुद अपना रही है? जम्मू में जहां जांच हो रही है, चार्जशीट तैयार है, वहां तो उसके मंत्री आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता और सब भीड़ में शामिल हैं। लड़की के पिता को पुलिस की हिरासत में मारा गया। आप देखते रहिए कि इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकता है, धर्म देखकर झुकता है या जाति देखकर झुक रहा है। हम भी मानते हैं कि भीड़ के दबाव में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पिता की पुलिस की हिरासत में मौत हुई है, FIR में भाई का नाम तक नहीं जोड़ा गया। किसके दबाव में पिता की गिरफ्तारी हुई, उसकी हत्या हुई? आप बलिया जिले के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह का यह बयान सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि आपका नया इंडिया कैसा है। महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाएगा। मंत्री अब बताए, तीन 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 बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? नहीं, आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूँ। 3 और 4 बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है।